हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियाज वेज एंड नॉनवेज रेसिपीज में। फ्रेंड्स, आज हम मिक्स साग जैसे कि बथुआ साग, चना और सरसों साग की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये जाड़े की खास साग है। ठंड शुरू होते ही चारों तरफ रंग बिरंगी सब्जियाँ साग मिलने लगते हैं फ्रेंड, तो आज हम इस रेसिपी को लेकर आई हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 500 ग्राम साग लिया हुआ है। ये तीनों साग मिक्स है, जिसमें से ये बथुआ है। इसको पहले हमने अच्छे से साफ कर लिया है, धुल लिया है। उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। जो मोटे वाले भाग है उनको हम अलग कर देंगे और पतले वाले भाग को और पत्तियों को अलग रखेंगे। इसी तरह से जो सरसों के साग है उनको भी हम, देखिए मोटे वाले डंठल को हम अलग कर देंगे और नरम वाले और पत्तियों को अलग रखेंगे। और सभी साग की हम कटिंग करेंगे। सरसों के साग को हमने काट लिया है, ऐसे ही बथुआ के साग को काट लेंगे। इसको चारों तरफ से ऐसे हाथों से दबा लेंगे और चाकू से काट लेंगे। वैसे आप इसे जैसे चाहें वैसे काट सकते हैं, आपको जैसे ही आराम हो। अब चना साग को काट लेते हैं। देखिए, इसको भी इसी तरह से सेम काटना है जैसे हमने बथुआ और सरसों के साग को काटा है। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस तरह से हाथों में लेकर इस तरह से भी कटिंग कर सकते हैं। अब इन सभी कटे हुए साग को एक कुकर में डालेंगे। आप चाहें तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा उसमें समय ज़्यादा लगता है और इसमें आराम से 3-4 सीटी में ये साग सॉफ्ट हो जाएंगे, तो इसलिए हम कुकर में ही बना रहे हैं। सभी साग को डालेंगे कुकर में और बस थोड़ा सा पानी डालेंगे, मतलब हाफ कप। और अभी हम नमक मुक कुछ नहीं डालेंगे, बस ऐसे ही सीटी लगने देंगे, 3-4 सीटी। और इस साग को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मसालों का यूज नहीं करेंगे, बस हल्का फुल्का सा। जैसे कि हींग लेंगे 1/4 चम्मच, अमचूर पाउडर 1 चम्मच, और हल्दी पाउडर लेंगे आधा चम्मच से भी आधा, और यहाँ पर लेंगे धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, नमक लेंगे 1.5 चम्मच स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर लेंगे 1/2 चम्मच, चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, और लेंगे यहाँ पर 5 फ़ोरन 1 छोटा चम्मच, और यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और 10 से 12 लहसुन को हमने पेस्ट बना लिया है। और इधर कुकर में 3 से 4 सीटी आ गए हैं, साग भी अच्छे से पक चुके हैं। बस इन्हें मथनी से या फिर मैसर से हम इसे मैश कर लेंगे। देखिए, इसमें का पानी सूख चुका है, थोड़ा बहुत पानी है। पानी हमने इसलिए डाला था क्योंकि साग जले ना नीचे से, इस पानी को फेंकना नहीं है। अब इसे किसी बाउल में निकाल लेते हैं। गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें हमने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाला हुआ है। ऑयल गर्म हो गया है, अब उसमें हमने 5 फ़ोरन भी डाल दिया है। जब 5 फ़ोरन थोड़े से कलर चेंज हो जाए, चटकने लगे, उसमें डाल देंगे हींग, और उसके तुरंत बाद ही हम डालेंगे जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है, और उसे हम 1/2 मिनट के लिए भुनेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब जैसे ये भुन जाएंगे तो सबसे पहले गैस को कम कर देंगे और डालेंगे लाल मिर्च पाउडर को, हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, और इन सबको बस 3 से 4 सेकेंड के लिए ही भुनना है। और उसके बाद साग को डाल देंगे जो हमने मैश करके रखा हुआ है, और गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर कर देंगे और धीरे धीरे इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे नमक। नमक हमने अभी नहीं डाला हुआ है, इस तरह से लास्ट में नमक डालने से इसमें कितना नमक डालना है सही से अंदाज हो जाता है। अब इसको धीरे धीरे 3 से 4 मिनट तक भुनेंगे। जब साग से तेल अलग होने लगेंगे और अच्छी सी खुशबू भी आने लगती है फ्रेंड, तो समझ लीजिए साग बनकर तैयार है। देखिए, हमने यहाँ पर साग को बनाकर तैयार कर लिया है, बस इसे सर्व कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए, और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो भी कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।